इस हॉर्स का नाम क्या है? विजयराज है। विजयराज। सो मैंने सुना है कि पाजी इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा हम कह सकते हैं मारवाड़ी हॉर्स है, राइट? सबसे बड़ा सरप्राइज जिसके लिए मैं खुद भागता हुआ आया हूँ वो है ये। वाओ, सो ये है आपको भी निकाल के और देखना वो बेबी को देखो आप। बेबी का नाम ओरियो। ओरियो ओरियो, ये देखो 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 देखो, सारे ओरियो एक जैसे। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला है, क्योंकि आपको जो मैं एक ऐसे हॉर्स फार्म में लेकर चलूँ जहाँ पे जो है आपको इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिशियल हॉर्स दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो है बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो है पोनी हॉर्सेस दिखाने वाला हूँ, जो कि जो बेसिकली इम्पोर्ट है। सो ज़्यादा समय लेते हैं, व्लॉग को शुरू करते हैं। और हाँ, व्लॉग को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि जो है आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है मेरा जो है बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल में जो है ट्रैवल रहना होता है, उसकी वजह से जो मेरे बाल जो है बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं धूल और मिट्टी के अंदर। तो मैंने उसके लिए जो है मैंने डिसाइड किया कि एक कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो है मैं खुद के लिए यूज़ करूँगा, और साथ ही साथ जो है आपको भी सजेस्ट करूँगा। तो वो प्रोडक्ट्स हैं ये वाओ स्किन साइंस के मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल रेंज। सो इस रेंज के बारे में पूरा डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सो इस रेंज का सबसे पहला स्टेप है ये मोरक्कन आर्गन हेयर ऑयल। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ फाइनेस्ट क्वालिटी मोरक्कन आर्गन ऑयल विथ सेवरल अदर प्रीमियम कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। अब आपको जो है इसको यूज कैसे करना है, यू हैव टू पुट आउट द 2 टेबल स्पून ऑफ इट, और उसको जो है जेंटली जो है अपने स्कार पर जो है मसाज करना है, और उसको जो है कम से कम जो है आपको 30 मिनट तक रखना है। और अगर आप जो है इसको ओवरनाइट रखेंगे तो वो जो है सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देगा। और अगर आप जो है इस ऑयल को जो है रेगुलर यूज करेंगे तो आपके जो बालों का है वो स्ट्रेंथन करेगा, और जो है हेयर फॉल को कम करने में भी हेल्प करेगा। एंड सेकंड स्टेप इन दिस रेंज इज मोरक्कन आर्गन ऑयल शैम्पू। इसको जो है आप लोगों को यूज कैसे करना है गाइस, वार्म वाटर से जो है अपने सिर को जो है पहले बिल्कुल अच्छे से जो है गीला कर ले, उसके बाद जो है इसकी अच्छे से अमाउंट देख ले अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप लेकर इसको जो है कम से कम 2 से 3 मिनट जो है अपने सिर पर जो है अच्छे से जो है मसाज करें, और उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ दें, और उसके बाद जो है ठंडे पानी से जो है अपने सिर को जो है आप धो लें। इसके भी जो है कई फायदे हैं गाइस, ये जो है आपके बालों की अच्छी हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो है आपके बालों को जो है हाइड्रेटेड रखेगा। एंड लास्ट स्टेप इस रेंज के अंदर जो है वो है मोरक्कन आर्गन ऑयल हेयर कंडीशनर। सो गाइस, इसको जो है आपको कैसे यूज करना है, इसको जो है आपको जो है अपने पाम में लेना है, और उसके बाद जो है इसको अच्छे से जो है अपने डैम्प हेयर एंड स्कैल्प पे जो लगाना है और मसाज करना है, और उसके बाद जो है 4 से 5 मिनट के लिए जो है इसको जो है आपने छोड़ देना है, और उसके बाद जो है इसको आप अच्छे से जो है वॉश कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो है आपके बालों की जो है स्ट्रेंथ को जो है रिस्टोर करने में हेल्प करेगा, और साथ ही साथ जो है आपके बालों को सिल्की बनाने में भी हेल्प करेगा। सो गाइस, ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो होलिस्टिकली हेल्दी हैं और 100% जो है वीगन है, और साथ ही साथ जो है ये सारे प्रोडक्ट जो है सल्फेट फ्री हैं। जैसे कि आपको मैं हर बार बताता हूँ कि वाओ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड हैं, और सारे के सारे जो है एनिमल क्रुएलिटी फ्री हैं। तो जैसे कि पता है मैं भी एनिमल लवर, तो मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। और हाँ, वाओ के प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप जो है इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, तो इससे जो है आपको वाओ के प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं इसके बारे में पता लग जाएगा। इन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करने के लिए जितने भी लिंक्स हैं वो सारे के सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और मेरा कूपन कोड पुलकित भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। A few moments later. So, फिलहाल अभी जो है मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ के ही पास में जो है पाजी का जो है फार्म है। तो अभी मैं पाजी से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, जो आज यहाँ के फार्म के ओनर है, और साथ ही साथ मैं आपको ना बहुत ही खास खास चीज़ दिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस फार्म के अंदर जो है इंडिया का सबसे बड़ा हाइट के अंदर यू नो मेजरमेंट के अंदर मारवाड़ी घोड़ा है, और साथ ही साथ यहाँ का सबसे टॉप जो स्टेलियन जो बेसिकली जिसके नुकरा वाइट कलर के जो हम हॉर्स कहते हैं उसके अंदर जो मतलब बेसिकली कह सकते हैं किंग, वो भी यहीं से फार्म पे है। तो आज दोनों हॉर्स मैं आपको दिखाऊंगा, और बहुत अलग अलग क्रिएचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो है मेरे साथ है जसकिरत पाजी। जसकिरत पाजी को तो बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे चैनल पर, और साथ है पाजी, लास्ट ब्लॉग में भी आप इनसे मिले थे। तो पाजी अभी स्टार्ट करते हैं यार, तो आज का जो टूर है बेसिकली उसमें जसकिरत पाजी और हमारे दूसरे पाजी जो है हमारे को हेल्प करेंगे। तो पाजी, फार्म का नाम क्या पहले तो यार बताइए। स्टड फार्म है, अपन भाई नु मिलेंगे जिदा नाम ते स्टड फार्म हैगा उदे। ओके, उदे स्टड फार्म ते बाकी ये जितेंद्र भाई होना दा फार्म है। ओके, सो ये यहां पे देख सकते हैं, ये तिब्बतन है पाजी, थोड़ा दूर हो जाओ। ये तिब्बतन है या गद्दी है? हिमालयन गद्दी। हिमालयन गद्दी भाई, ये खतरनाक है, इसको बांध। ये सारी यहाँ से हॉर्स स्टार्ट हैं, अभी वाइट नुकरे हॉर्स हैं ये सारे, इनके बारे में भी एक एक करके सारा आज डिटेल में कवर करेंगे। और उसके बाद जो है जब हम आगे बढ़ते हैं तो यार बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस फार्म बनाया हुआ है, और इसके अंदर तो कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि वर्थ वॉचिंग होगी, उसका वेट आपको करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं मिलवाता हूँ आपको उदय पाजी से। कैसे हो पाजी?
बहुत ही बढ़िया। सो अभी साथ में हमारे साथ जो इनके साथ होर्स है इसको बाहर निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद में जो है इसके बारे में हम बात करना शुरू करते हैं जो कि मेरे हिसाब से आज की वीडियो का हाईलाइट होने वाला है। तो पाजी इस हॉर्स का नाम क्या है? इधर विजयराज है जी। विजयराज। सो मैंने सुना है कि पाजी इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा हम कह सकते हैं मारवाड़ी हॉर्स है, राइट? ऑफिशियली, राइट? ऐसे ही ऑफिशियली है पाजी? 69 इंच प्लस। सो ये देख सकते हैं 69 इंच प्लस इसकी हाइट है, और ये वैसे भी दिख रहा है। भाई आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी 6 फीट है। वाओ, और ये साथ खड़े हो ना इसके, एक मिनट ये देखो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा क्या फ़र्क है। वाओ, और ये कुछ ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं है, इसको प्यार नहीं, कर सकते? विजयराज। ओए वाह, क्या मेरे को क्यों मार रहा है? सो पाजी इसकी एज कितनी होगी? ऑलमोस्ट 4 and 4.5। 4.5 ईयर्स। और इनका वैसे लाइफ स्पैन कितना होता है पाजी हॉर्सेस का? 28 ईयर्स। 20 ईयर्स के करीब। वाह, तो अभी तो बहुत ही बिल्कुल यंग है, राइट? ये अभी। सो मैंने सुना कि पाजी एक स्टेलन है बहुत ही खतरनाक लेवल पे, जो इसके आगे प्रोड्यूसिंग है बहुत अल्टीमेट है इसकी आगे मार्केट में। जो हमने उस दिन बच्चा देखा था वो, हाँ वो विजयराज की बच्ची थी। ओके 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 ओके, क्या बात है। तो वो इस हॉर्स की जो आगे है वो आगे प्रोग्रेसिंग है, आगे उसके बच्चे हैं। वाओ, सो इसके पास ये इधर से सारे विजयराज के बच्चे हैं जो इसके अंदर वीडियो फोटो के अंदर। कुछ बस खुशी है, बाकी तो एक तो मेरे पास देख लिया आपने। हाँ 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 हाँ, बाकी और मार्केट में सभी के पास है इसकी प्रोडक्शन। सो अभी इसको आप राइड वगैरह करना शुरू कर दिया? इसको राइड करते हैं क्या? सो अभी फिलहाल जो है विजयराज को थोड़ा सा प्यार करते हैं, पकड़ाना भाई इसको। अच्छा, बहुत ही प्यारा है यार ये। और हाइट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हाइट है एज एन ऑफिशियली, बहुत ही प्यारा है। और इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा लगा यार मुझे, और कोटिंग वगैरह। भाजी इस पर लगभग कितना टाइम इसकी सफाई को हम डेली देते हैं? एक घंटा है इसका रोज। क्या बात, इसको शोज वगैरह में भी लेकर जाया जाता है? नहीं, हले शोज पाया नहीं, मंडी दो बार गया। अच्छा, अभी दो बार ही गया, और अभी इन फ्यूचर करेंगे इसको हम शोज वगैरह में भी ले जाएंगे। हेलो तो यार पाजी ये क्या चक्कर है, मैं जहाँ भी फार्म पे जा रहा हूँ मुझे बत्तखें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्या चक्कर है? जिन्हें भी फार्म वाले वीर जो भी ब्रदर रख रहे जिन्हें फार्म है गया, वो शौकी है बत्तखों दे, जिन्हें भी बर्ड ये खा क्या रही है अभी बर्ड्स? दाना अभी कनक, कनक है। एक तो ये ना इनसे डर लग रहा है उस दिन के बाद जब वो पीछे पड़ गई थी, वो तैयारी में अभी खून की तैयारी है, वो बेबी है ना ना ना। ओह ये देख रहे हो, वो ही देख रहे हो, ये तो छोटा सा बेबी है। अच्छा अच्छा, जा रहे हैं जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। सो अभी फिलहाल जो है विजयराज के बाद जो है सेकंड हॉर्स जो हमने अभी बाहर निकाला है पाजी, ये कौन सा हॉर्स है बता सकते हो? आज सूर्य प्रताप है ये नाम। ओके, कितनी एज है दी? ये आ हो गया 18 मंथ्स का, हले तो बिल्कुल यंग है ये, राइट? ते दा रेडी हो रहे हैं। फादर वगैरह कौन? फादर इधर काला कैंट है। ओके, मैंने उसके बारे में बहुत फेमस, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, राइट? मतलब काफी लेजेंड चाहता हूं। ओके, सो बेसिकली जो हॉर्स के बारे में जानते हैं पंजाब में या हॉर्स गेम को जानते हैं तो वो बेसिकली इसके फादर को बहुत अच्छे से जानते हो, सभी जानते हैं। और इसकी अभी तो हाइट पे और ग्रोथ होगी, राइट? हाँ जी, हाँ जी, बहुत चलता है छोटे का। तो ये अभी एक इसी क्या है क्या? नहीं, नूरा है। अच्छा, अगर आपको वो ब्लॉग चाहिए सो मेक श्योर टू कमेंट, तो हम स्पेशली एक दिन प्लान करके उसके ऊपर एक अकेले के ऊपर ब्लॉग बनाएंगे। जो पंजाब में एज अ स्टैलियन जो है, वाह, तो ये उसके बच्चे हैं आगे, तो अब सोचो वो जो खुद नूरा है जो वो कितना लेजेंडरी हॉर्स है, तो उसको स्पेशली अगले व्लॉग में कवर करूंगा। कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है उसके बच्चों का, मतलब जो भी बच्चा उसका जो बॉर्न होता है वो स्टेलियन ही बनता है ऑलमोस्ट। क्या बात है, बहुत टॉप का प्रोड्यूसर है, बहुत टॉप का प्रोड्यूसर है नूरा, जो जितनी भी नुकरों की लाइन है, नुकरों लाइन का सबसे सब जानते हैं उसको, मतलब किंग है उसका। क्या बात, क्या बात। सो ये अभी फिलहाल जो है देखना। हाँ हाँ, सो पाजी मैंने सुना है कि ये किसी हॉर्स के जो शोज होते हैं उसके अंदर भी विनर रहा है, कौन? इस बार जगराऊं थर्ड आया। वाह, क्या बात है। तो इसमें भी मतलब ये हॉर्स गेम में भी मतलब ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी हमने विजयराज को नहीं किया, बट इसको हम पहले इसको, क्या बात है यार, ये तो मतलब क्वालिटी है इसके अंदर की। 18 मंथ के अंदर जो है हॉर्स शोज वगैरह में जा रहा है। तो इसके बाद जो है सेकंड, अभी थर्ड पे जो है एक घोड़ी हम जिसको कह सकते हैं फीमेल है, ठीक है। सो इसकी हाइट कितनी है जी, कुछ आइडिया? 67 इंच तक होगी जी। 67 इंच, अभी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, अभी इसको लेकर आए हैं।
फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसको अभी अभी हमने बाहर निकाला और इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। क्या बात है यार पाजी, कौन सी ब्रीड, वैसे क्या कह रहे थे अभी आप, कौन सी उसमें है ये? नीली, ओके संजाव, ओके क्या बात है। और बहुत ही प्यारी है, एग्रेसिव तो नहीं है यार, इसको हाथ लगा सकते हो? भाई डर लग रहा है। ठीक है, शांत है यार ये, इतनी एग्रेसिव नहीं है। मेरे को थोड़ा सब तो ऊंची घोड़ी है, घोड़ी है। क्या बात, हरियाणा चैंपियन है। वाओ, तो ये देख रहे हो, साथ में मेरे स्टैंड भाई भी आए हुए हैं। हाँ भाई, क्या हाल है लड़के? बड़ा प्यारा है ना यार ये, और भाई लेजेंडरी हॉर्स है, और उसके बाद इतना प्यार, तब ये लेजेंड है। बड़े है ना, डिसेंट है ना बड़ा, हाँ अपने सुल्तान जैसा है, शांत शांत है। अभी फिलहाल जो है, जैसे कि आपको पता है, इस फार्म के अंदर जो है, इन्होंने बहुत ही बड़ा स्पेशियस सा फार्म है, बाग भी साथ में लगते हैं। और उसके बाद जो है, इन्होंने स्पेशल एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे जो है हॉर्स स्पेशली घूम सकता है। ये देखो यहाँ पर ये घूम रहा है, और ये कितना कितना ही बड़ा है, मैं आपको क्या आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर 10 हॉर्स भी अगर हम खुले छोड़े तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बड़ा स्पेस है। तो ये जो है स्पेशली किस लिए बनाया गया पाजी? घोड़ों की प्रैक्टिस के लिए ना, ये सुबह शाम इसको छोड़ते हैं। ओके, तो ये स्पेशली घोड़ों की प्रैक्टिस के लिए बनाया हुआ है। इधर आ जाओ, ये पानी पी रहा लगता है वहाँ पे, आए मस्ती हो रहा है। सो आज का सबसे बड़ा सरप्राइज जिसके लिए मैं खुद भागता हुआ आया हूँ, वो है ये। वाओ, सो ये है पोनी हॉर्सेस। हेलो, आए तेरे, क्या बात है, दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड। भाई कौन सी कंट्री से इम्पोर्ट है ये? इंग्लैंड से इम्पोर्ट है। इंग्लैंड से इम्पोर्ट है, कितना टाइम का हो गया ये? सलमान। अरे क्या बात है बेटे, मौज कर दी। ये क्या कर रहा है? हाँ ये क्या कर रहा है, ये देखो कितना जोर दिखा रहा है। यार कतर आ गए, देखियो देखियो। ओए अच्छा, हाँ कुछ नहीं कह रहा मैं, कुछ नहीं कह रहा, हाँ कुछ नहीं कह रहा। मतलब इसके साथ जो फीमेल है उसको भी निकाल के अलग ही सीन हो गया था। अच्छा, सॉरी भाई सॉरी, गुस्से की आंखों से देख रहा है मुझे। उसका पार्टनर अंदर है ना। अच्छा भाई, मैं नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं, मेरे को बड़ी टेढ़ी आंखों से देख रहा है। तो अभी फिलहाल जो है, दोनों इसके पार्टनर और इसके बेबी भी आ चुके हैं। ये फीमेल है, वाह कितनी प्यारी, और ये बेबी आ गया छोटा सा इनके साथ में। ओ वाह, कितने ही ज्यादा प्यारे हैं। हेलो, और देखो ना वो बेबी को देखो आप। बेबी का नाम ओरियो है। ओरियो, ओरियो ओरियो तो यार सारे शरारती होते हैं, और मेरे को देख लिया, वो देखो देख शरारती अलग ही लेवल का। तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा और सबसे छोटे घोड़े भी यहीं पे ही है, इसी फार्म पे, राइट? बिल्कुल, बहुत ही लेजेंडरी फार्म मुझे यार लगा। और अब इसके बाद जो है व्हाइट जो नुकरा है स्पेशल, वो नेक्स्ट ब्लॉग में हम इसको दिखाने वाले हैं। और ये तो यार अलग ही लेवल के गुस्से में मुझे लग रहा है। इसके साथ कुछ फोटोज मैंने अपने इंस्टाग्राम के लिए लगाई है, और सारे हमारे पाजी यार अपने कोई फार्म का इंस्टाग्राम वगैरह फेसबुक पेज भी है। उदय स्टड फार्म के बाद सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको कुछ इनसे हॉर्सेस के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी तुम देखना इसके अंदर, ये देखो क्या हरकतें कर रहे हैं। ये देखो, वो देखो, ओरियो को देखना, ओरियो को, हाय ओरियो। और वहां पे दूसरे हॉर्सेस बंधे हुए हैं, और ये देखो मस्तियां देख रहे हो इनकी। हाँ, अलग ही लेवल की मस्ती। ये देख सकते हो कितना बड़ा फार्म है, और इसके बाद यहाँ पर जो है कुछ रूम्स यहाँ पर बनाए हैं, कुछ सेटअप यहाँ पर है, कुछ सेटअप आगे है, और भी बहुत सारे एनिमल्स रखे हुए हैं। लूरे का भी रूम एक्स्ट्रा है, वो परली साइड पे है, वो अगली बार हम जब दिखाएंगे। वो अकेला रहता है राजा। अच्छा, वो नूरा किंग। क्या बात है, तो नूरा जो है यहाँ का बेसिकली किंग, जैसे मैं आपको बता रहा था, है। तो अभी और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सेटअप है कबूतरों का, बर्ड्स के लिए अलग से सेटअप बनाया है। और बर्ड्स का मैंने सुना है इन्होंने अलग से एक घर पे भी कुछ बर्ड का सेटअप है, घर पे जितना भी है सेट अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग बना रखे हैं। वाओ, और भी जो है गोट भी, जैसे भी मैंने आपको दिखाई थी, इन्होंने गोट भी रखी हुई है। और ये पोनी हॉर्सेस का रूम है, और साइड हो जाओ, लो जी इनको तो पता है इनके रूम का, और ये अपने रूम में चले गए हैं। वाओ, और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ हॉर्स है,
अच्छा आगे नूरे की बच्ची है। हाँ जी नूरे की प्रोडक्शन है। वाओ देख रहे हो नूरे की प्रोडक्शन, और नूरा सोचो कितना प्यारा होगा जब इनके बच्चे ऐसे हैं। अंदर भी हॉर्स है और उसके बाद इसके अंदर भी, ये नूरे की प्रोडक्शन सॉरी। वाओ सो हम ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट फार्म्स के अंदर है ये हॉर्सेस के अंदर, राइट। और ये खतरनाक वो, अच्छा अच्छा सॉरी भाई सॉरी, तेरी वीडियो काट दूंगा मैं, फिक्र मत कर। अच्छा ये आगे ब्रीडिंग के लिए फीमेल्स है, तो ये बेसिकली स्टड फार्म है। यहाँ पे अगर कोई अच्छी हॉर्स, वो फिर दो तीन दिन छोड़ के जाते हैं फिर। ओके क्या बात है। तो यहाँ पर और साथ ही कुछ दूध के लिए भी इन्होंने डायरी टाइप यहाँ पर बनाई हुई है, राइट भाजी। क्या बात है, तो इन्होंने पूरी स्पेस का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया गया है, और कुछ स्पेस वहाँ पर भी है। क्या बात है।